ये देखिए कि अब ये हैं, कितनी उम्र हो गई है आपकी? अभी अभ्यर्थी हैं? हाँ, अभ्यर्थी हैं। 50। कितनी उम्र हो गई? 50 वर्ष हो गया। अब बताइए, आगे आइए बताइए। ये तो चलिए युवा हैं आप, इतने अब आपकी उम्र खत्म हो रही है नौकरी वाली, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी। अब तो बेटा और भतीजा भी तैयार हो गया इंजीनियरिंग करके, तो बिहार सरकार से यही मांग करते हैं। कितने साल से इंतजार कर रहे हैं? कितने साल से नौकरी का इंतजार? 4 साल से तो अभी फॉर्म अप्लाई किए हैं, 20 वर्ष हो गया पॉलिटेक्निक किए हुए। और सुनिए, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। सरकार से यही मांग करते हैं कि जब मैं विधानसभा में चुनाव बन के आते हैं विधायक लोग, तो उस पर आरोप रहता है, तो एक आदमी को बर्खास्त करते हैं कि सारे वैकेंसी को ही बर्खास्त कर देंगे। सब लोग को बर्खास्त कर दिए, विधानसभा में जितना सदस्य है ये वैकेंसी, अरे 10 गो 20 गो लड़का जो भी 50 गो आप पकड़े हैं कि गलत से आया है, तो उसको हटाइए, उसको मतलब जो है गलत किया है उसको सजा दीजिए, कि सभी लोग को 6400 को सजा दे देंगे। देखिए इनका कहना है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें जब सरकार को पता चला, विद्यार्थी लोग जब बोले कि कुछ गलत लोग आए हैं, तो सरकार उसके नाम पर 40 अलग अलग कॉलेज में जाकर पैसे का उन्होंने घोटाला किया है और जांच भी नहीं किया सही तरीके से, इसीलिए उसमें अभी भी गलत छात्र शामिल हैं। हम वैकेंसी की नहीं अपनी बात करेंगे, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। 4 साल से वादे पे वादे हो रहा है ना, जो भी सरकार का मानक था सब पे हम लोग पूरा उतरे थे, और 2022 में अप्रैल में हमारा रिजल्ट आ चुका था, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद उसको वापस ले लिया गया है ना, उसके बाद नोटिस। चलिए ये सारी बातें लोग जान रहे हैं, आगे अब क्या करेंगे? आगे हम क्या करें, हम कहाँ जाए, किससे क्या बोले, है ना, सरकार का मन सही साफ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि न्यूज स्टेट जो चैनल है आप लोगों के साथ है, ये पहला चैनल ऐसा है जिसने आधे घंटे का बुलेटिन डिबेट आप लोग की समस्याओं को लेकर किया है, और आगे भी हम करते रहेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये बताइए कि अब अगली रणनीति क्या होगी? थक के भी बीटीएस अभ्यर्थी घर में बैठेगा कि क्या करेगा, कहां तक अपनी बात पहुंचाएगा? आगे की जो भी रणनीति है मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कर देना चाह रहा हूँ कि हम थक के बैठने वाले नहीं हैं। हमने 15 साल सेवा दिया है इस बिहार सरकार को, और उस सेवा के एवज में प्रति 5 वर्ष के 5 अंक की स्थिति में 25 अंक देते हुए ये बहाली हम लोगों ने लाया था माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से। 15 साल सेवा का परिणाम था कि तकनीकी सेवा आयोग का गठन हुआ, हमारा फॉर्म अप्लाई हुआ, काउंसलिंग हुई। या सीएम से भी आप लोग मिलेंगे, उनके पास अपनी समस्या रखेंगे? अपनी समस्या तो रख ही रहे हैं, और जब तक हम लोग का सांस